ये रहा सामने होटल जहाँ पे मेरी रहायश है, ये रही शाम की चाय और ये है होटल की बालकोनी। ये बहुत ही बड़ा दिलजला है, इसने तो पूरा बाइक वाला ताला लगा दिया। ये क्रूज, ये बाहर लोग बैठे हुए हैं टेबलों पे, ये लोगों ने सब ने जैकेटें पहन रखी हैं, लगता है कि ये अब चलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में, तो करते हैं साथ में बुदापेस्ट की सैर। बहुत ही प्यारा शहर है, साथ रहिएगा, मेहरबानी। दोस्तों, यूरोप में शेंगेन ममालिक में आती हैं 29 कंट्रियाँ, यह हंगरी भी उनमें शामिल है। ये इसका कैपिटल है बुदापेस्ट में। इस टूर में ये मेरा तीसरा मुल्क है, पहले मैं गया था 2-3 रातें स्लोवेनिया, उसके बाद आ गया क्रोशिया, उसके बाद आ गया सर्बिया। सर्बिया अलबत्ता नहीं था शेंगेन में, मगर उन लोगों ने मुझे एंट्री दे दी थी, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ बुदापेस्ट। तो ये बहुत ही प्यारा शहर है और यहाँ पे काफ़ी घूमने फिरने की जगह हैं। ये देखें ऊपर, जो ऊपर महलात बने हुए हैं, और आप मेरी पिछली वीडियो चेक करेंगे तो 2-3 वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, वो भी चेक करना। बहरहाल ये यहाँ पे जदीद किस्म का अपना मेट्रो का निज़ाम है और ट्राम वगैरह चलती हैं। उसके अलावा हेलो, उसके अलावा ट्राम, मेट्रो, बस वगैरह, बहरहाल बहुत ही प्यारा शहर है। अभी चढ़ते हैं ऊपर सीढ़ियों पे और पुल का नज़ारा करते हैं। ये देखें ना, हर तरफ प्यारी सी बिल्डिंगें, कदीमी और जदीद भी हैं। बहरहाल यूरोप में जितने भी ममालिक हैं उनमें जितने भी शहर हैं, ये शहर बुदापेस्ट मेरा पसंदीदा शहर है। और भी काफ़ी हैं, बहरहाल ये भी इसकी क्या बात है। ये देखें इस तरफ एक नज़र आएगा, ज़रा आगे जाएं, टनल आएगा और ये ऊपर महलात, ये वाला महल कल घूमेंगे इंशाल्लाह। ये देखें सामने एक टनल है, ये देखें, बहरहाल बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं हर तरफ। अभी हम जाएंगे इस तरफ, ये पुल क्रॉस करेंगे सामने वाली, उस तरफ जाएंगे। ये सामने वाला जो किला नज़र आ रहा है आपको, इसके लिए 2-3 ऑप्शन है ऊपर चढ़ने के लिए, मगर ये लिफ्ट की सहूलत भी है। ये देखें ना, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और अल्लाह आपका भला करे लिफ्ट के ज़रिए आप ऊपर टॉप तक पहुँचेंगे, उसके बाद आप आसानी से ये किला घूमेंगे। इस तरह मैंने क्रोशिया के कैपिटल ज़ाग्रेब में अभी कुछ दिन पहले गया था। अभी भी मैं उसकी मालूमात कर लूँ, क्योंकि कल मैं आऊँगा यहाँ पे, टिकट कितने का है देखते हैं, पूछते हैं इनसे। ये सारी मालूमात जहाँ पे लिखी हुई है, ये यूरो वगैरह नहीं ले रहे, यहाँ तो हो क्रेडिट कार्ड हो या लोकल करेंसी हो। तो 4000 लोकल करेंसी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 2000। ये टाइम है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, तो सही हो गया। आज मैं थका हुआ हूँ, काफ़ी जगह मैंने पहले ही घूम रखी हैं, ये कल घूमेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल ये यहाँ के मनाजिर हैं, अभी चलते हैं पुल की तरफ। इस तरह की
गाड़ियां भी हैं दस्तयाब पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। ये देखें, और जिस तरह दुनिया के ममालिक में टूरस बसें होती हैं जो तकरीबन लेते हैं 30 यूरो शायद पूरे दिन के, वो भी होती हैं उनमें, उस टिकट में ये भी इंक्लूड होती है जो छोटी वाली मिनी है ना, और एक क्रूज ट्रिप भी होता है इंक्लूड। मुख्तलफ होती हैं कंपनियां, मुख्तलफ पॉलिसी। यह है वो टूर्स बस जो तकरीबन 30 यूरो लेती है। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की बसें चलती हैं। इसमें आपको पूरा बुदापेस्ट की सैर कराएंगे और मुख्तलिफ स्टॉप पे ये रुकेगी। एक गाड़ी से आप उतर जाएं, भले वो चली जाए, अगली गाड़ी कुछ मिनट में आएगी, आप तब तक घूम फिर के दूसरी गाड़ी में आप चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस खड़ी होगी वहाँ पे, बस आपको उतार के आगे चली जाएगी। इसी कंपनी की चेन है बसों की जो घूमती रहती है मुख्तलिफ जगहों पे, और आपको नक्शा देंगे उस पर स्टॉप लिखे होंगे, आप घूम फिर के वहीं पे आ जाएं फिर अगली मंजिल। ये पुल पे चढ़ने से पहले ये एक शहर है इस तरफ और एक शहर है इस तरफ, ये दोनों बबर शहर, ये समझे कि इस्तकबाल कर रहे हैं कि भाई पुल पे आने वालों का इस्तकबाल। तो चलते हैं ये तारीखी पुल देखने। इस तरह की काफ़ी पुलें बनी हुई हैं, मगर सबसे जो मशहूर पुल है वो ये है, क्योंकि ये दोनों इतराब में बिल्कुल वो घूमने फिरने की जो जगह हैं वहीं, मतलब उस तरफ भी घूमने फिरने की जगह और पीछे भी, तभी यहाँ पे इस पुल पे रश होता है। नहीं तो ये देखें, सामने भी दो तीन चार पुलें हैं और इस तरफ भी पुलें हैं, मगर ये पुल जो है सबसे ज़्यादा इसलिए है कि मशहूर, कि दोनों इतराब में घूमने फिरने की जगह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, मालात, किले, चर्च वगैरह सब कुछ। तो अक्सर जो लोग हैं वो इस पुल पे घूमने फिरने वाले ज़रूर आते हैं। ये देखें ना, हर तरफ आपको लोग नज़र आएंगे फ़ोटो वगैरह या वीडियो बनाते हुए। अब ये सामने जाके पुल ख़त्म हो जाएगी और हम दरिया के उस पार होंगे। ये देखें ना सामने कितनी प्यारी बिल्डिंग है, और ये नीचे एक रेस्टोरेंट है बना हुआ क्रूज़, यहाँ पे लोग खाना खाएंगे। और जब ये चलेगा रात को, इस तरह के क्रूज अक्सर रात को चलते हैं ऊपर,
गाने शाने ये वो पार्टियाँ, और नीचे बने होते हैं रेस्टोरेंट, और दिन को ये यहीं पे खड़े होते हैं तकरीबन, खाना खा के आप निकल जाएं। ये देखें ना, इस तरह के काफ़ी हैं और भी हैं। अब देखें ये क्रूज, ये बाहर लोग बैठे हुए हैं टेबलों पे, ये इन लोगों ने सब ने जैकेटें पहन रखी हैं, लगता है कि ये अब चलेगा, और ये चलते हुए खाना भी खाएंगे और नज़ारे भी करेंगे। ये रास्ता है सामने क्रूज पर चढ़ने का, किसी में खाना होता है इंक्लूड, किसी में नहीं होता, जिससे ये सामने जा रहा है। कोई खाने के बगैर छोटी कश्ती देखे वो जा रही है। मुख्तलिफ कंपनियां हैं ना, ये देखें ना, एक और आ रहा है। ये इस लेन से काफ़ी कंपनियां हैं हर किस्म की, खाने के साथ, खाने के अलावा, किसी में चाय काफ़ी सिर्फ मिलेगी। काफ़ी तादाद में यहाँ से लेके आगे तक मुख्तलिफ कंपनियां हैं। बहरहाल चलते हैं मज़े आगे। अब ये पुल ख़त्म, तकरीबन समझे ख़त्म हो गया है समझे, और अब शहर में अंदर टाउन टाउन में दाखिल होंगे, वहाँ के भी करते हैं कुछ नज़ारे। ये मेरे होटल के करीब रास्ते में एक पार्क है छोटा सा, और इसमें जो है पार्क में ये देखें, ये लगा हुआ है झूला, इसका किराया है 13 यूरो तकरीबन। बहुत ही बड़ा झूला है। बहरहाल इस तरफ भी पार्क है छोटा सा। ये हैं भाई यहाँ के नज़ारे। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं अपने होटल की तरफ। बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हूँ मैं अपने होटल के। इस तरह यूरोप में आपको अक्सर मिलेंगे ताले वगैरह नदी के पुलों पे, या इस तरह की बनी हुई पार्क में ये लोग ताले लगा के चले जाते हैं। ये देखें ना, और चाबी अपने साथ लेके जाते हैं, इस पर कुछ लिख के अपनी यादें। ये देखें किसी दिलजले ने, ये बहुत ही बड़ा दिलजला है, इसने तो पूरा वो बाइक वाला ताला लगा दिया। पहले भी देखा था मैंने स्लोवेनिया में इस तरह का कोई दिलजला, जिसने इतना सा मोटा सा ताला लगाया है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी रीति रस्म रिवाज हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ कोनों में सबकी अपनी रस्में हैं, रवाज है। चलते हैं मज़े आगे। ये रहा सामने होटल जहाँ पे मेरी रहायश है, पहुँच गया। अब शाम का टाइम है, शाम को अक्सर होती है मुझे चाय की तलब, तो सबसे पहले पियेंगे चाय, कि मेरा मोबाइल वगैरह की बैटरी चार्ज करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करके रात के खाने के लिए निकलेंगे बाहर। तो अभी चलते हैं ऊपर। माशाल्लाह ज़बरदस्त लोकेशन पे है मेरा ये होटल, और अपना ये देखें ना नीचे एम जो का अपना एम वन जो है मेट्रो लाइन, और इस तरफ अगर मैं जाऊं तो M3 मेट्रो लाइन ये सामने रही। ज़बरदस्त लोकेशन पे माशाल्लाह, और इंडियन रेस्टोरेंट सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के फासले पे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, तुर्कश हैं, हिलाल खाने वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। तो अभी चलते हैं ऊपर। दोस्तों ये रही शाम की चाय, और ये है होटल की बालकोनी। अब जो है वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह रात के खाने पे निकलेंगे बाहर, दुआ में याद मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह सलाम।